हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप Redmi Note 11 Pro Plus और Redmi Note 11 Pro में किसी भी ऐप में लॉक कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि देख रहे होंगे, मैं WhatsApp ओपन करता हूं तो यहां से मेरे से पासवर्ड मांगता है, तभी ये ऐप ओपन होगा। इसी प्रकार से आप अपने मोबाइल के किसी भी ऐप में कैसे लॉक लगा सकते हैं, इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। लास्ट तक जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब बटन में दबाने के बाद यहाँ ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए बात करते हैं अब कि किसी भी ऐप में ऐप लॉक कैसे लगाना है इस प्रकार से। इसके लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा अपने मोबाइल के सेटिंग में, या कहें कि चलिए डायरेक्ट आपको बताता हूँ सबसे इजी मेथड। तो आप चले जाइए अपने मोबाइल के सिक्योरिटी ऐप में। ये ऐप आपको MI मोबाइल में इनबिल्ट मिलता है, आपको भी मिलेगा। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ये दिखेगा आपको, ये सिक्योरिटी ऐप कुछ इस प्रकार से। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर स्लाइड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिलेगा, आप उसमें क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो पासवर्ड डालने को कहेगा, तो आप अपना वो पासवर्ड डाल लें जिससे आप अपना मोबाइल को अनलॉक करते हैं और ये अनलॉक हो जाएगा। फिर यहीं पर आपको मिलेगा ऐप लॉक का ऑप्शन। तो नीचे जितने ऐप हैं इसमें से आपको यहाँ से ऑन करके लॉक कर लेना। चलिए एग्जाम्पल के लिए अभी मैं अपने मोबाइल के मैसेज को लॉक करके दिखा देता हूँ। ये मैसेज है, इसको मैंने ये लॉक कर दिया, ठीक है। अभी मैं बैक जाता हूँ और अपने मोबाइल के मैसेज को ओपन करके देखता हूँ। ये मैसेज है, देखिए मैंने ओपन किया तो ये ओपन नहीं हुआ, अभी ये पासवर्ड मांग रहा है। जब तक मैं पासवर्ड नहीं डालूँगा तब तक लॉक नहीं होगा। अब आपको बताता हूँ इसके एडिशनल सेटिंग्स को जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने ऐप लॉक ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से सिक्योरिटी ऐप में जाने के बाद जैसे इसके बाद ऊपर में देख रहे होंगे एक सेटिंग मिलता है, यहाँ पर आपको ये सर्कल सा बना हुआ, उसमें क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, उसमें कर लेना है। तो ऐप लॉक सबसे ऊपर वाला का तो आपको ऑन रखना ही है। इसके बाद यहाँ पे आपको लॉक सेटिंग की ऐप को आप कब लॉक करना चाहते हैं, जब आपका फ़ोन लॉक हो जाए तब, या जितनी बार आप ऐप से बाहर आएँ तब, या एक बार आपने कर दिया उसके बाद टाइम सेट कर दें आफ्टर 1 मिनट। ये तीनों ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे। मेरे विचार से आपको ये रखना चाहिए व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड और आफ्टर एग्जिटिंग ऐप, यानी जैसे ही आप ऐप से बाहर आएंगे। जैसे अभी चलिए मैसेज मैंने ओपन किया, अनलॉक किया, ये मैसेज ओपन हो गए। अगेन मैं एग्जिट किया, फिर से मैसेज खोलूँगा, ये अगेन लॉक हो जा रहा है। तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें, ताकि जितनी बार आप ऐप से बाहर आएँ आपका जो ऐप है वो वापस से लॉक हो जाए। इसके बाद नीचे में जाएं तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आपको डिसेबल कर देना है। वरना आप जैसे ही मोबाइल को अनलॉक करके ऐप में जाएंगे ऑटोमेटिकली बहुत फास्ट वो ऐप ओपन हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड डालना ही पड़े तो फेस अनलॉक वाले को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसी तरह से अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, जो आपका फिंगरप्रिंट ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना चाहें या ना चाहें उसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके पासवर्ड को सेव करने के लिए, या कहें बाद में भूल जाए तो रिसेट कर सकें, उसके लिए आप MI अकाउंट जो होगा आपका वहां से इसको यहां ऑन करते हुए ऐड कर सकते हैं। एक साथ सारे ऐप को लॉक करना चाहते हैं तो ये बटन है, इसको क्लिक कर देंगे सारे ऐप लॉक हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अनलॉक एक साथ करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, लॉक कर दें इसके बाद ऑफ कर दें, सारे ऐप अनलॉक हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेटिंग आपको अब समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।